दोस्तों मैं तो मोटी मोटी बात करूंगा क्योंकि मिनिमम भाषण देना है, लेकिन जरा सोचिए तो सही, ये पिछले 3-4 साल में इस देश में हो क्या रहा है? ये दलितों के बीच से दलाल कहां से पैदा होते जा रहे हैं? इन दलालों को रोको। ये दलाल जिनकी गोद में जाकर बैठ रहे हैं, उन गोदों ने इस देश के संविधान को बिल्कुल खत्म करने के षड्यंत्र बनाए हुए हैं। और ये हमारे बीच के जो लोग हैं, जो रायसीना हिल के आसपास घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ये उदित राज से लेकर हमारे लखनऊ के नए नए डॉक्टर लालजी निर्मल तक, जिन लोगों ने 5,000 साल तक दलितों के पैरों पर चलने तक इजाजत नहीं दी, उनकी गोद में जाकर बैठकर वो क्या दे रहे इस देश को? डॉक्टर अंबेडकर को हम वापस क्या कर रहे हैं? हम डॉक्टर अंबेडकर को वापस कर रहे हैं उदित राज, हम डॉक्टर अंबेडकर को वापस कर रहे हैं 98। दोस्तों थोड़ा धैर्य रखो, वह दिन हमारे बहुत करीब है जब हम खुद कह सकेंगे ये देश हमारा है। अभी खुशी कैसी, अभी तो इस देश में मैं कह रहा हूं दलितों के हिस्से का 15 अगस्त भी नहीं आया है, दलितों के हिस्से का 15 अगस्त नहीं आया है, दलितों के हिस्से की खत्म जरूर नहीं। दलितों को कभी कभी इस देश में फिर मोड कराया जाता है, जस्टिन फिलिप 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अदरवाइज 365 दिन इस देश के चौराहे पर जितना जलील दलितों को किया जाता है किसी को इस दुनिया में नहीं किया जाता। मित्रों कितनी दुखदाई बात है, देश के प्रधानमंत्री जी आज जिस देश में ब्रेकफास्ट करके लंच कर रहे हैं, उनके दोस्त लोग जो इस देश को धोखा देते हैं वो सब भी उसी देश में दाल रोटी खा रहे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमको डॉक्टर अंबेडकर को कुछ तो वापस करना चाहिए कि सब लिए जाएंगे। पूरे देश भर में 22,000 संगठन काम कर रहे हैं दलितों के नाम पर। ये 22,000 संगठन किसी एक अम्ब्रेला के नीचे तो आओ भाइयों, ये ब्राह्मणवादी लोग तो चाहते हैं 22,00,000 संगठनों में तब्दील हो जाओ, ये उनका षड्यंत्र है। एक अम्ब्रेला में आओ वो तो किसकी काउंटिंग करना चाहते हैं, हमारे और आपके बीच से निकालना चाहते हैं 2019 के स्टारों को, कैसे वो 2019 में दोबारा वापस आए। दोस्तों 2019 में यदि ये 56 इंची लोग आ गए तो भाई साहब मैं दावे से कह सकता हूं अगला चुनाव भारत के संविधान के अनुसार नहीं होगा, मनुस्मृति से होगा। नागपुर अपने जन्म से ही संविधान पसंद नहीं करता, आज नागपुर इस चक्कर में लगा है किस तरह से मनुस्मृति की प्रिंटिंग और पढ़ाई जाए, कैसे उस किताब को ज्यादा से ज्यादा बाजार में लाया जाए, 2019 के लिए उसकी पब्लिसिटी और डोर टू डोर भेजा जाए। आप धीरे से देखिए तो सर, 10% लोग एक्टिव हुए थे, 10% 85% में से 10% लोग एक्टिव हुए, आपने भीतर का हिला दिया सिस्टम को 2 अप्रैल को। सबको पता चल गया कि आज दलित समाज वो नहीं है जिसे आप समझ रहे थे, जिसे लाठी के बल पे जूते के बल पे जिधर मर्जी दौड़ा दोगे, ढेर नहीं है दलित, समझ लो देश चलाने वालों। आज विवेक उनके भीतर ज्यादा है, आज वो रोटी खाने के लिए चिंता नहीं है, था एक जमाना जब कई कई हफ्ते तक रोटी ने नसीब की दलित समाज को, आज वो रोटी खाने के लिए चिंता नहीं है, जिंदा रहने के लिए रोटी खा रहे हैं। इसलिए वो लंबे संघर्ष के लिए इस देश की बुनियाद को बदलने के लिए 5,000 साल के उस कलंकित इतिहास को बदलने के लिए तैयार हुए। मगर दोस्तों थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें कोई भी ऐसा परिसंघ बनाना होगा
पढ़े नीति उदित राज के परिसर जैसी ना हो। इसमें 3.5 साल में मिस्टर उदित राज के जितने भी कार्यक्रम है बगल में मालूम कराल से लेकर के पूरे जाकर भी आज वो भारतीय जनता पार्टी की एक बिल के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुश है कि उनके पास एक उदित राज है जिनके पास लाखों सरकारी एम्प्लॉइज है। सर आप कम से कम ऐसे कदम चलिए, अगर आपके कहने पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं कोई तो बात है, कोई तो गुरुत्वाकर्षण है, कोई तो मैग्नेट है आपने, उसका एक्सटेंशन कीजिए और मित्रों को सामने आने दीजिए, दूर तक चलिए, हमारे पास समय है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों फिर से 2019 को ध्यान में रखकर अपने कदम बढ़ाइए। आप लोगों को देश आज जो देश के जो प्रगतिशील लोग हैं वो दलित समाज की तरफ चल रहे हैं, जान रहे हैं कि जब दलित के हाथ में सत्ता होगी ठीक से तो देश का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कहलाएगा। हाशिए पर नहीं होंगी महिलाएं, हाशिए पर नहीं होंगे मुसलमान, सबके सब एक मुख्य धारा से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।